उत्तराखंड परिवहन निगम की 125 नई बसों का संचालन बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक तकनीकी कमी की वजह से बसों को प्रदेश के अलग अलग डिपो में बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोजाना परिवहन निगम को तकरीबन 30 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। जी मीडिया ने देहरादून के परिवहन निगम की वर्कशॉप का जायजा लिया। परिवहन निगम ने 300 नई बसों की खरीदारी की है, जिसमें से 125 बसें अलग अलग डिपो पर इसी तरह से खड़ी हो गई हैं। इसके पीछे तकनीकल जो कमी है वो बताई जा रही है कि तरह तरह की इसमें परेशानियां आ रही, जिसके चलाने में भी दिक्कतें हो रही हैं और यात्रियों को किसी तरह की मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, इसलिए बसों को रोक दिया गया है। और आप बताइए कि आखिर इसके क्या वजह आ रही है सामने? जो ये हमारी बसें नई तकनीकी आई, इनमें मुख्य रूप से जो है जो गियर लीवर है इनके, कि जो गियर लीवर है, जब गाड़ी रोड पर चली तो गियर लीवर आकस्मिक सारे जो प्राय देखने में आया कि इनके गियर लीवर टूट रहे हैं, तो इस कारण से जो है कभी भी कोई भी अप्रिय घटना कर सकती है। इसलिए हमने हमारे प्रबंधन निदेशक के आदेश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर जो है हमारी सारी बसें स्टैंड खड़ी कर दी गई। और अभी हमारे जो प्रबंधन निदेशक द्वारा जो है SIT के जो इनके सेंट्रल रुखोड़ पुणे में है, वहाँ को उनको वहाँ से एक टीम बुलाई गई, इसकी जांच होगी। टाटा के लोग भी यहाँ पे आए, जब तक इनका पूर्ण रूप से निरीक्षण नहीं होता तब तक इनको मार्ग पे नहीं चला जाएगा। अच्छा, इसमें तो यात्रियों को भी परेशानी है, परिवहन निगम के राजस्व का भी घाटा है। हमें आज की डेट में पर डे कम से कम 30 लाख रुपये का नुकसान हो रहा है इन बसों खड़े होने में, राजस्व भी है, दूसरे यात्रियों को भी दिक्कत है। आज हमारे जो यात्री हैं बड़े परेशान हैं, क्योंकि बसों का जो बेड़ा हमारे पास आया था, हमने नए नए रोड खोले गए थे, लेकिन आज जो रोड खोले थे वो रोड फिर बंद करने पड़े हमें, क्योंकि हमें जो बसें जो इनकी दिक्कत निकल जो दिक्कतें आ रही उससे जो हमें रोड पर संचालन करने में दिक्कतें आ रही। अच्छा, आप लोगों की कोई मांग भी है क्या कि सरकार से या विभाग से कि आखिर ऐसी बसें आती तो कम से कम इसकी जाँच होनी चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए जाँच तो बहुत जरूरी है। सरकारी बसें हैं, इनको तो सही तरह से छवि तो खराब निगम की हो चुकी है। इन गाड़ियों के आने से लीवर में बड़ी प्रॉब्लम है, ड्राइवर का पूरा कंधा ऐसे जा रहा है ऊपर, और गाड़ियों में एक छत भी नहीं है, लगेज कैरियर नहीं है, पीछे डिग्गी बहुत छोटी बनाई गई है। यात्रियों को और परिचालक को भी ड्राइवर को बड़ी दिक्कत है गाड़ियों से। पीछे जो गाड़ी था वो अच्छी थी, ये नहीं है गाड़ी अच्छी। तो आखिर में जाँच की मांग करते हैं आप? बिल्कुल सर, जाँच होनी चाहिए, इन गाड़ियों की जाँच होनी बहुत जरूरी है। तो फिलहाल इसी तरह से प्रदेश के अलग अलग डिपो में 125 जो नई बसें हैं वो खड़ी हो चुकी हैं, और इससे परिवहन निगम को जहां राजस्व का घाटा हो रहा है वहीं यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। और फिलहाल देखना होगा कि परिवहन निगम के सीनियर अधिकारी इस पूरे मामले में किस तरह का कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ में रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। देहरादून में परिवहन निगम की 125 नए बसों का संचालन बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ISBT की बात करें तो यहां से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को समय पर बस मिल नहीं पा रही है। यात्रियों की दिक्कतों का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता ने। दिल्ली के लिए बस ढूंढ रहे हैं हम, आधा घंटा हो गया, आधा घंटे से हमें बस यहां पे उपलब्ध नहीं हो रही है और काफी देर से खड़े हैं, पब्लिक भी काफी भीड़ हो रखी है यहाँ पे और नहीं मिल रही, वेट कर रहे हैं काफी देर से हम दिल्ली की बसों का। परेशानी सबसे हमें आधा घंटा यहाँ पर हो गया है, हमें अभी कोई भी DTC बस यहाँ पर उत्तराखंड की नहीं मिल पा रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है। और परेशानी इसी बात का है कि पब्लिक बहुत ज़्यादा यहाँ पर खड़ी है, भीड़ ज़्यादा ही हो रही है, अब क्या समस्या है ये हमें अभी पता है, यहाँ पर चल नहीं रहा है। बस बंद होने के कारण ही तो हो रहा है, ये सब लेट हो रहे हैं, 9 बजे का बोल रखा है, 10:30 बजे तक कह रहे बस आएगी, पता नहीं, कोई लोग कहते हैं 10:30-10:30 बज जाते हैं, उनका कोई टाइम टेबल नहीं है किस टाइम आए किस टाइम लग जाए, परेशानी हो रही है। हाँ, परेशानी तो है, अब यहाँ पे ठंड में बैठे पड़े हैं, काफी टाइम हो गया बैठे हुए। परिवहन निगम ने हाल में 300 नई बसों की खरीदारी की थी, जिसमें से 125 जो बसें हैं वो तकनीकी तौर पर खराब चल रही हैं, जिसके चलते उनको बंद कर दिया गया है। ISBT पर आप देख सकते हैं किस तरह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जो बसें संचालित होती हैं वो ISBT से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान कई राज्यों को जाती हैं, लेकिन 125 जो बसें हैं वो बंद चल रही हैं, उसका खामियाजा यात्रियों को उठाना पड़ रहा है। और उत्तराखंड में परिवहन निगम की बसें लाइफ लाइन का काम करती हैं, खास
रास्तों से पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले यात्रियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से ये 125 नई बसें अब खड़ी हैं और बंद हैं, उनका संचालन रुका हुआ है। ऐसे में परिवहन निगम ने पूरी जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर जो बसें आई और एक महीने भी चल नहीं पाई, उसके बाद तकनीकी तौर पर उनमें खराबी आ गई है, इससे जो यात्री हैं वो परेशान हैं, जगह जगह उनको घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और किस तरह की पूरा मसला आ रहा है, क्या बात आ रही है, जरा आप बताइए कि आखिर में इससे यात्रियों को किस तरह की परेशानी आ रही है। तो चक्कर पूरे टिकट कटेंगे जब जाएगी जी, किस तरह की परेशानी आ रही है? नहीं, दरअसल ओबियसली क्या है कि हमारे पास 125 बसों की डिलीवरी हुई थी और हमारे मैनेजमेंट ने पाया कि उनमें जो टेक्निकल फॉल्ट है, तो तत्काल प्रभाव से हमारे उच्च प्रबंधन उन गाड़ियों को खड़ा करा दिया गया। अभी ARTC से जो है उसकी जांच होगी, इसके बाद ही गाड़ियों को रूट पर उतारे जाएगा। रही बात गाड़ियों की कमी की, तो हम उम्मीद करें कि हमें सरकार इस चीज़ की ओर ध्यान देगी कि हमारे स्टेट के यात्रियों को ज्यादा दिक्कतें ना हो। देखना होगा फिलहाल कि जिस तरह से तकनीकी कमी आई है, इसको कब परिवहन निगम दूर करता है। इस तरह से ISBT पर यात्रियों के सामने अब चैलेंज है, लेकिन जो 125 नई बसें खड़ी हो रही हैं, इससे परिवहन निगम को रोजाना तकरीबन 30 लाख रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। फिलहाल देखना होगा कि परिवहन निगम इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन संदीप बडोला के साथ मेरा मनुष जी मीडिया देहरादून। देहरादून में तकनीकी खराबी के कारण परिवहन निगम की 125 नए बसों का संचालन बंद कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं परिवहन निगम कह रहा है कि टेक्निकल टीम से जांच कराने के बाद बसों का संचालन शुरू किया जा सकेगा। हमारे पास टाटा से 150 बसें आई थी, जिसमें 125 बसें संचालित हो गई थी। इनमें तीन बसों में गियर लीवर टूटने की समस्या आई है, जिस जो कि काफ़ी गंभीर हम लोगों ने उसको लेते हुए इन बसों का संचालन रोक दिया है और इनका हम CIRT से निरीक्षण करवा रहे हैं, थर्ड पार्टी निरीक्षण, और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके संबंध में कोई भी निर्णय लिया जाएगा।